समझदाल में तबाह कर दिया, बल्ला भवन दलालों का अड्डा बन गया। पृथक के लोग ही नहीं जा सकते थे, लेकिन बड़ा दलाल और ठेकेदार आ जाए तो बल्लभ भवन के और दिल के द्वार भी खुल जाते थे कमलनाथ के, और लेन देन की बातें होती थी। कमलनाथ जी, तुमने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण करके पूरे मध्य प्रदेश को तबाह करने का पाप किया है, ये मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, ये मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। मैं अपने बहनों भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, इसमें विकास दांव पर लगा है। हमने पहले भी बड़ा मलहरा का विकास किया, ये नेतृत्व तो आपके सामने बैठा है, ये विकासशील नेतृत्व है। और मेरी बहन साध्वी उमा भारती जी, उनका भी क्षेत्र से गहरा नाता है। उमा जी और हम भाई और बहन हैं, ये नेतृत्व हमारा बैठा है। प्रद्युम्न लोधी हो, रेखा यादव हो, ललता जी हो, ये क्षेत्र से रिश्ता वही रहेगा, मिलकर विकास करेंगे इस क्षेत्र का, कोई कसर विकास में नहीं छोड़ेंगे। और सुनो रे भैया, उड़ता बूम खराब हो गए तो चिंता मत करियो रे, कमलनाथ में ढेला नहीं दो, मैं राहत की राशि 4000 करोड़ बांटूंगा, छतरपुर जिले में भी बढ़ेगी, कोई चिंता नहीं। वो कहते थे कांग्रेस जी पैसे नहीं है, क्या करें, जब देखो रोते ही रहते मुख्यमंत्री, पैसे नहीं है मामा, लेके आ रहे मामा कोई छाती पर भर के ले जा रहे, रोते ही रहते पैसा नहीं है क्या करें, पैसा नहीं है क्या करें। पर मैं कह रहा हूं गुलशन में अब रुक करेंगे देश दुनिया